आने से पहले फोन कर देते, मैं खाना वाना बनवा लेता भाई जान। अरे भाई खुशखबरी ऐसी है कि फोन करने का ख्याल ही नहीं रहा। खाने का क्या है, ऑर्डर देके मंगवा लेंगे बाहर से। तो भाई साहब समरा और राशिद को भी साथ ले आते। राशिद समरा को लेके हॉस्पिटल गया इसीलिए दोनों नहीं आ सके। अल्लाह रहम करे, क्या हुआ मेरी बच्ची को? तुम्हारी बच्ची बिल्कुल ठीक है आफिया। और यही खुशखबरी तो सुनाने आए हो तुम दोनों को, नाना नानी बनने वाले हो तुम। नाना मैं? अरे बहुत मुबारक हो, सुन रही हो? हाँ, और ये खाला बनने वाली है। शुक्र है मालिक का। बहुत बदल गया राशिद, बहुत समझदार हो गया, जिम्मेदार भी हो गया, जैसे तुम हो गए थे समझ गए थे। अब्बा वो दूसरी बात भी कर ले प्लीज। कौन सी दूसरी बात? कर रहा हूँ एक मिनट। भाई देखो आफिया और फयाज से एक बार फिर तुम्हारे दरवाजे पर सवाली बनकर आया, लेकिन इस बार कोई बड़े भाई का रोब या हुक्म नहीं चलेगा। नहीं नहीं भाईजान, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं जवाद के लिए इफ्रा का हाथ मांगना है। मुख्तार साहब ये क्या कह रहे हैं आप? भाई साहब नहीं नहीं मतलब तुम लोगों की मर्जी है भाई, तुम जैसा कहोगे वैसे होगा। मुझसे मशवरा तक नहीं किया और यहां आकर रिश्ता डाल रहे हैं आप? अभी ये मेरी मर्जी से हो रहा है। मैं आपको और पापा को बता चुका हूं कि सिर्फ इफ्रा से शादी करूंगा, और अगर फयाज चचा और चची ना माने तो मैं वापस कनाडा चला जाऊंगा। बस अब बेटी की खुशी में खुश हो जाओ। हाँ भाई फयाज, तो फिर क्या इरादा है तुम्हारा बताओ। भाईजान फिर से मुश्किल में डाल दिया आपने। अरे कोई मजबूरी कोई जबरदस्ती नहीं है, जैसा तुम चाहोगे हमें मंजूर होगा। मैं अपने बस क्या बताऊँ, जो मेरी गलती हुई है पहले उसका मैं दावा करना चाहता हूँ। भाईजान आप मुझे कुछ वक्त दे, मैं इफ्रा से पूछ के आपको जवाब दूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल दुरुस्त है, बेटी से पूछना बहुत जरूरी है। चलो भाई जवाब, फिर खाने वाने का ऑर्डर करो। जी अब्बा।